आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षक गण और मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि इस वर्ष भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं आपको रिपब्लिक डे के संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं या फिर करना चाहती हूं। 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। उसी उपलक्ष में भारत देश के प्रत्येक नागरिकों के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ में मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीज़ें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया है और इसी दिन हम पूर्ण गणतंत्र हुए थे। इतनी स्पीच बोलने के बाद में कुछ लाइनें होंगी जो स्पेशल लाइनें होंगी, जिनको आपको खास तौर से बोलना ही होगा, तभी आपके स्पीच पर चार चांद लग जाएंगे। तो चलते हैं, बताते हैं कौन से वो लाइन हैं। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है, आओ कि आया है राष्ट्र पर्व गणतंत्र हमारा है, नमन माँ भारती तुझे दिया राष्ट्र पर्व प्यारा है, जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये स्पीच अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, क्या पता किसको ये स्पीच अच्छी लग जाए, इसलिए प्लीज़ शेयर करो और लाइक करो। अगर आप ये स्पीच समाज में बोलेंगे, 20 लोगों के बीच में बोलेंगे, तो इस पर आपके इस भाषण पर चार चांद लगने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर कर देना।